सीडीओ की अध्यक्षता में शुक्रवार को विकास भवन के सभागार में ग्राम पंचायतों के परफॉर्मेंस ग्रांट के लिए ग्राम प्रधानों की बैठक संपन्न हुई, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 37 ग्राम प्रधानों ने अपने अपने परफॉर्मेंस ग्रांट के DPR पेश किए हैं। सभी DPR पर इंजीनियर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और जिन ग्राम प्रधानों का DPR अच्छा होगा उसको पास करके शासन को भेज दिया जाएगा। बैठक में DPRO इंजीनियर और ग्राम प्रधान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा, पीछे लगा लेता है पूरा दिल्ली, उसमें डाल दिया जो ऐसे के लिस्ट कर दिया सारा पूरा दिल्ली, वो उसमें में प्राइस प्राइस आइटम टाइप का जो होता है वो खरीदने के लिए बोला है सर ने, क्योंकि अगर हमने फोर व्हीलर खरीदा तो गाड़ी ने बड़ी वाली खरीदी तो हमें ड्राइवर के करना पड़ेगा। जो कूड़ा के लिए गाड़ी जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं लेनी है, जो भी छोटी ग्राम पंचायतें हैं वो हाइड्रोलिक रिक्शा लेकर के जिसमें होता है कि अपना लिफ्ट किया कूड़ा निकल गया उसको हो जाएगा, और बड़ी ग्राम पंचायतें छोटी वाली गाड़ी ले सकती हैं पर वो भी 17 लाख 18 लाख की गाड़ी नहीं लेंगी। हाँ भाई, जो भी हिमांशु आपको बता रहे हैं हमारे DPRO साहब, ये अभी लखनऊ में इसकी 2-3 बैठकें हो चुकी है और बाकी जो आप लोगों ने अभी DPR बनाए हैं पहले जिला स्तरीय कमेटी से पास होंगे और फिर लखनऊ में आपको भी जाना पड़ेगा और वहाँ प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, लेकिन पीछे जो पास हुए हैं उसमें उसके अलावा GP जो प्रोजेक्ट करेगी तो हम उसको DPR वाइज डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे और मैं भी ले रहा हूँ एक एक करके, लेकिन ये 2-3 चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लीजिए जो आपको पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कराने में आएगी। एक 24 अप्रैल 2020 का एक सरकारी ऑर्डर है, ये सबके पास होना चाहिए, सारे BDOs के पास भी होना चाहिए। इसमें लिखा है 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के अंतर्गत ग्राम पंचायत हेतु वित्तीय वर्ष 16-17 में निष्पादन अनुदान हेतु कुल धनराशि का नाम लिखा हुआ और स्वीकृत के संबंध में परफॉर्मेंस ग्रांट के बुला है, और इसमें जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो आपके यहाँ दिए गए, और इसमें आवंटन के बाद कैसे इसको खर्च करना है, कैसे जो शासकीय व्यय है वो करना है, उसमें कैसे आपके रूल लगेंगे वो सब लिखे हुए हैं, तो इसको जरूर पढ़ना है। अलग अलग टाइम पे जो निर्गत किए गए शासनादेश है जो नॉर्मल रूटीन है उस तरह से काम नहीं होगा जिस तरह से हम दूसरे कार्य DP के करते हैं। ये सही है, गलत है उसको बताएगा, PWD ही सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनल करती है, वो बैठी होगी कमेटी में हमारे सब लोग हैं, बिजली विभाग भी है, जल निगम भी है, DDOs भी है, पंथी आएगा उसको करना, स्मार्ट क्लासेस लगाना, तो BSS आप अपना न्यूज में देख लेंगे और बाकी डिपार्टमेंट अपना अपना कमेंट जरूर देंगे। हमारे IAS के अभी एग्जीक्यूटिव जीते नहीं आए होंगे, उनकी प्रॉब्लम ये लग गई और ये कमेटी का ये करता जो है मंत्री और चैनल करके बता रहा आज हमारे यहाँ भी एक बैठक हुई है जिसमें परफॉर्मेंस ग्रांट जो आई है, जो पहले हमारे 10 DPR पास हो गए लेकिन बाकी जो गांव अभी 37 थे टोटल, उसमें जो बाकी गांव हैं सबको हमने बुलाया था अभी, और ग्राम प्रधानों ने अपना अपना DPR पेश किया है और हमने जो अभी उस पर एक एक DPR पे बैठक उसको डिस्कस कर रही है और सारे इंजीनियर सारे विभागों के लोग उस पर अपने अपने कमेंट दे रहे हैं, जो सही पाए गए जो नियमानुसार है उनको आज पास कर दिया जाएगा, बाकियों को इम्प्रूव करके नेक्स्ट मीटिंग के लिए रिकमेंड कर दिया जाएगा।